सन 47 से ब्रह्मा का पाठ शुरू हुआ, शिव बाप ने प्रवेश किया, जिसमें प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो कोई तो होंगे नजदीकी जिन्होंने पहले पहचाना होगा, ऐसे ही सन 76 में कोई तो नजदीकी होंगे जिन्होंने बाप को पहले पहचाना। ये बात दूसरी है, कितना परसेंटेज में पहचाना, कोई की पहचान कम परसेंटेज में, कोई की पहचान ज्यादा परसेंटेज में। जितना जितना जास्ती परसेंटेज वाला होगा उतना जास्ती टिकने वाला भी होगा। तो यहां भी ऐसे ही होगा, तीसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता काल में सब एक साथ पहचानेंगे या नंबरवार पहचानेंगे। तीसरी मूर्ति के जो जास्ती नजदीक होंगे वो पहले पहचानेंगे, उन पहचानने वालों में भी परसेंटेज होगी, कोई 100% पहचानने वाले भी होंगे जो आदि से अंत तक रह सकते हैं। कोई कम पहचानने वाले होंगे, आदि में पहचानेंगे, पर जैसे मुर्गा बांग लगा के सो जाता है ऐसे नींद में खुद सो जाएंगे और दूसरों को जगा देंगे। हाँ जी, और गंगा जैसे अष्ट देवों को सर के ऊपर चढ़ाया हुआ दिखाते हैं, अर्पण हुआ दिखाते हैं, बाप के अति नजदीक दिखाते हैं, ऐसे ही गंगा भी सेवाधारी के रूप में सबसे आगे दिखाई है। गंगा के निकलने से पहले जागते तो हैं लेकिन पूरा नहीं जागते। जो कुंभकर्ण है वो सोए रहते हैं, माने जो संन्यास धर्म की आत्माएं हैं, जो पवित्रता में बहुत तीखी हैं, वो भारतवासी कुंभकर्ण सोए हुए रहते हैं। उनको जागरण करने का निमित्त कौन बनता है? गंगा। इसलिए मुरली में बोला है जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में, भले यमुना पहले निकलती है, सरस्वती भी निकलती है, जगदम्बा, लेकिन ज्ञान गंगाएं अंत में ही प्रत्यक्ष होती है। ऐसे नहीं कि आदि में उन्होंने पहचाना नहीं, वास्तव में जास्ती ज्ञान का फाउंडेशन तीनों नदियों में से जास्ती किसमें फाउंडेशन पड़ता होगा? आदि का फाउंडेशन सत्व प्रधान होता है या अंत में ज्ञान मिलता है वो सत्व प्रधान होता है? आदि में जो ज्ञान मिलता है वो सत्व प्रधान होता है। इसका मतलब जो गंगा का पार्टधारी होगा वो एडवांस में भी ज्ञान की गहराई में सबसे जास्ती गहरा जाने वाला होगा। उसके मुकाबले यमुना और सरस्वती इतनी गहरी नहीं हो सकती, परंतु प्रत्यक्ष का नहीं हो सकती, कारण या कारण है।
नियम बना हुआ है क्या? भारतवासी कुंभकर्ण बाद में जगते हैं। अगर वो पहले जग जाएं तो उत्तर भारत वाले भी पहले जग जाएं, और दक्षिण भारत वाले के वाले विदेशियों को कोई पूछेगा नहीं, उनकी तो भाषा ही दूसरी होती है, परंपराएं ही दूसरी होती है, तो उनको चांस जास्ती मिले। तो सन 76 से लेकर के और अंत तक पूरा चांस मिलता है। अंत में भारतवासी जगेंगे कुंभकर्ण। अभी भी दक्षिण भारत वालों की ये मान्यता है कि हम तो भाषा नहीं जानते हैं उतनी, बाप हिंदी भाषा भाषी में आता है, तो उत्तर भारत के थोड़े बहुत लोग जो दक्षिण में जाकर के बसे हैं उन्होंने ही एडवांस नॉलेज की गहराई को पकड़ा और प्रचारित प्रसारित किया। वहां के जो मूल निवासी हैं वो ज्ञान की गहराई को उतना नहीं जान पाते। अंत में जब उत्तर भारत के वो भारतवासी कुंभकर्ण निकलेंगे तो दक्षिण वालों को आगे बढ़ने देंगे? वो तो तीव्र गति से आगे चले जाएंगे। हैं? उत्तर भारत, दक्षिण भारत है भारत का विदेश, क्योंकि उनकी भाषा भी दूसरी है, उनकी परंपराएं भी दूसरी है। नाराज हो जाएगा, नाराज वो हो जाएंगे जिन्होंने आत्मा के राज को नहीं समझा। आत्मा देशी और विदेशी होती है या शरीर देशी और विदेशी होता है? इस जन्म में जो शरीर धारण किया है वो विदेशी हो सकता है, लेकिन क्या ये गारंटी है कि उनकी आत्मा भी विदेशी है? दक्षिण भारत में अष्ट देवों के मंदिर देखने में आते हैं, उनकी पूजा होती है, उनकी मान्यता ज्यादा है। उत्तर भारत में भी मान्यता है लेकिन मंदिर नहीं है। इसका मतलब जो मूर्तियां तैयार हुई हैं वो मूर्तियां दक्षिण भारत से ज्यादा तैयार हुई हैं या उत्तर भारत से जास्ती तैयार हुई है? उत्तर भारत की भी मूर्तियां होंगी लेकिन जास्ती मूर्तियां कहाँ की होंगी? दक्षिण भारत की। मंदिर भी वहां अष्ट देवों के जास्ती हैं, पूजा भी वहां होती है, लेकिन मूर्ति अलग चीज और आत्मा अलग चीज। अभी भी दो दक्षिण भारत वाले जिनकी बुद्धि में बैठा है हम तो विदेशी हैं, हमको तो विदेशी साबित कर दिया, वो देवान में बोल रहे हैं या आत्माभिमान में बोल रहे हैं? देवान में रह करके बोलते हैं। इसलिए कभी भी नहीं समझना चाहिए कि ये विदेशी है ये स्वदेशी है। बुरा किसको लगेगा? जो देवान में रहने वाला होगा, आत्मा न समझने वाला होगा, उसको बुरा लगेगा। और सावन महीना आती है, इतना सारी भीड़ क्यों होती है और सब दिन क्यों नहीं होती है? तीन ऋतुएं हैं, तीन प्रकार के मौसम हैं।
एक सर्दी, एक गर्मी और तीसरा बरसात। ये संगम युग की यादगार के आधार पर हैं। जब ज्ञान सूर्य संसार में प्रत्यक्ष होता है तो ज्ञान बरसात बरसाने के बाद प्रत्यक्ष होता है या पहले ही प्रत्यक्ष हो जाएगा? तो कौन से मौसम में प्रत्यक्ष होता होगा? है बरसात के मौसम में। इसलिए श्रावण के महीने में शिवलिंग की बहुत पूजा होती है। गर्मियों में पूजा नहीं होती, सर्दियों में भी इतनी पूजा नहीं होती, बल महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो बरसात का मौसम है जैसे संगम युग का ज्ञान बरसात का मौसम। और सतयुग त्रेता है ठंडी का मौसम। दिमाग ठंडे रहते हैं कि गर्म रहते हैं? ठंडा आस रहती है। और द्वापर कलयुग है गर्मी का मौसम। मन बुद्धि रूपी आत्माएं गर्म रहती हैं या ठंडी रहती हैं? गर्म हो जाती है। और बरसात का मौसम संगम युग है ज्ञान बरसात का मौसम। उसमें भी विशेष महत्व है श्रावण महीने का। दक्षिण भारत में अष्टोदेवी का ज्यादा पूजन होता है, इसका मतलब है? हाथ उठाओ। दक्षिण भारत में अष्टोदेवी का ज्यादा पूजन होता है। हाँ जी, मूर्ति भी है। हाँ, इसका मतलब क्या? दक्षिण भारत से ज्यादा अष्टोदेवी दिख रहे हैं? जरूर निकले होंगे, तब तो वहाँ मूर्तियाँ ज्यादा बनती हैं। उत्तर भारत में भी मान्यता तो है, कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो नवग्रह का पूजन करेंगे। यज्ञोपवीत तो हो, विवाह हो, कथावात्रा हो, तो पंडित आकर के नौ ग्रहों का पटली पर निशान बनाता है, पहले उसका पूजन करता है, बाद में अनुष्ठान संपन्न होता है। लेकिन मूर्तियां नहीं है। है उत्तर भारत में? सारी दुनिया कैसे? दक्षिण भारत में तो पूजा होती है। उत्तर भारत में पूजा मूर्ति के रूप में नहीं होती। पूजा तो होती है लेकिन मूर्ति की पूजा नहीं करते, क्योंकि जानते हैं ज्ञानी तू आत्माएं कि ये आत्मा ने आखिरी जन्म में जाकर के मूर्ति धारण की है। अनेक जन्मों में विधर्मी नहीं बने हैं, विदेशी नहीं बने हैं, सिर्फ अंतिम एक जन्म में विदेशी बने हैं। और उसका भी रहस्य है। क्या रहस्य है? बेसिक में भी जो अच्छे अच्छे सेवाधारी हैं वो विदेश में भेजे गए या भारत में रहे? विदेश में भेजे गए। ऐसे ही एडवांस पार्टी के जो अच्छे अच्छे सेवाधारी हैं, बीज रूप आत्माएं हैं, वो आखिरी जन्म में उनका पार्ट नुदा हुआ है विदेशियों की सेवा करने का। बाप भी विदेशी बनकर आता है, क्योंकि बाप विश्व पिता है। सिर्फ भारत का बापूजी नहीं है, सारे विश्व का कल्याणकारी है। और दुर्गा पूजा में दुर्गा को दिखाते हैं और लक्ष्मी सरस्वती कार्तिक करें, ये जो दिखाते हैं कि किसका किसका यादगार है, कौन कौन आत्मा किसका यादगार है, कोई विशेष आत्मा को यादगार है, कौन है?
कोई कोई विशेष आत्मा का यात्रा है, जैसे जगदम्बा को हम लोग दुर्गा के रूप में मानते हैं और लक्ष्मी सरस्वती ने दिखाया और कार्तिक गणेश ने दिखाया, चार आत्मा कौन कौन है मैंने क्या बताएं, पांच डिक्लेयर करें है। बाबा ने तो बोला है बाप पार्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, कागज या बोर्ड पर लिखकर नहीं बतावेंगे, जो जिसका पार्ट होगा वो स्वतः ही रंगमंच पर स्टेज पर पार्ट बजा करके अपने को प्रत्यक्ष करेगा, उनकी वाचा से, उनकी कर्मणा से, उनके वाइब्रेशन से उनके पार्ट डिक्लेयर होंगे, बाप प्रत्यक्ष नहीं करेगा। हाँ जी, बाप सिर्फ इशारा देते हैं, देवताओं को इशारा ही काफी होता है। क्या होता है छठ पूजा होता है ना, एक आदमी बोलो। हाँ, छठ पूजा जो होता है सूरज निकलने के पहले वही वो पूज रहे हैं। हाँ, क्यों होता है, क्या होता है छठ पूजा जो किया जाता है ना, सूरज मर जाओ निकलता है उस टाइम। हाँ, पूछ रहे क्यों किया जाता है निकलने के सूर्य निकलने के बाद जब पूजन किया जाता है ना, सूर्य जब उगेगा तभी तो दुनिया मानेगी। हाँ, वही बोल रहे कि क्यों होता है, वो लोग अलग से गंगा में पूजा करती है हाँ। हाँ, तो सूर्य उदय होगा तो पूजन होगा, और सूर्य जब अस्त होगा तो पूजन थोड़ा ही होगा, वो तो गुप्त हो गया। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान सूर्य गुप्त है या प्रत्यक्ष है, गुप्त है, तो तब तक पूजन नहीं हो सकता। दुनिया पूजेगी नहीं, ग्लानी कर से करेगी, जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो पूजन करेगी। और आठ दिक्पाल, आठ दिशाएं, आठ दिशाएं तो निकलेंगे। जो निर्माणकारी होते हैं उनको दुनिया मानती है, स्थापना वाले होते हैं वो पालना भी करते हैं, उनको दुनिया मानती है। जो विनाशकारी होते हैं उनको दुनिया उतना नहीं मानती। बल मकान गिराना भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा पैसा किनको दिया जाता है, मकान गिराने वालों को या बनाने वालों को? बनाने वाले ऊंचे माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। और चार दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और चार दिशाओं के चार कोण हैं, कोने। जैसे बंगाल पूरब में है और नेपाल उत्तर में है, और दोनों का कोना है ईशान कोण। ईशान कोण में ईश्वर का वास है। क्या ईशान कोण का अधिपति कौन है? ईश्वर माने शंकर का चित्र दिखाते हैं। तो संसार में जो प्रत्यक्षता होती है
कौन से होती है, ईशान कौन से प्रत्यक्षता होती है, भारत में बनियन ट्री यादगार भी बना हुआ है। बीज कहाँ पड़ता है, बंगाल में बीज पड़ता है। इस रथ को कहाँ से ढूंढा, पूर्वी बंगाल से ढूंढा। ढूंढा तो पूरब से प्रत्यक्षता होनी चाहिए, ईशान कोण में क्यों चला गया। क्योंकि नेपाल का भी महत्व है, जिस समय नेपाल निकलता है उसका अर्थ क्या है, नई दुनिया का पालना करने वाला। तो एडवांस पार्टी में वो ग्रुप कौन सा है जो नई दुनिया का पालना करने वाला ग्रुप है, है? विजयमाला। इसलिए नेपाल उत्तर दिशा और बंगाल पूर्व दिशा, दोनों के बीच का कौन है, ईशान कौन। यहां से ईश्वर प्रत्यक्ष होता है। और आसाम, आसाम हुआ मणिपुर हुआ, ये सब जगह से प्रत्यक्ष नहीं हुआ। आसाम हुआ, मणिपुर, त्रिपुरा हुआ, आसाम भी ईशान कोण में ही है। जो अरुणाचल प्रदेश है उसका नाम अरुणाचल क्यों पड़ा, अरुण माने क्या, अरुण माने सूर्य। उसका अंचल है जहां से सूर्य निकलता है। जापानी लोग अपन को क्या कहते हैं, हम सूर्यवंशी हैं। क्योंकि दुनिया का जो नक्शा है उसमें ईस्ट देश दिखाया जाता है, कौन सा देश, जापान। तो स्थूल सूर्य के हिसाब से वो अपने को सूर्यवंशी समझते हैं। उनकी बुद्धि में ये बात थोड़ी है कि चैतन्य ज्ञान सूर्य हमारे देश से प्रत्यक्ष होता है, मान्यता बनाई हुई है। पूरब देश की आत्माएं जब बाप की प्रत्यक्षता में सहयोगी बनती हैं, जो बोला हुआ है बंबई है विनाशकारी, किस दिशा में है, पश्चिम में, और दिल्ली है स्थापनाकारी, और कलकत्ता आवाज फैलाने में आगे जाएगा। किस बात का आवाज, बाप को प्रत्यक्ष करने का आवाज। तो हिंदुस्तान के हिसाब से कलकत्ता पूर्व देश का महानगर है, जिस दिशा से सूर्य प्रत्यक्ष होता दिखाया जाता है। लेकिन ईशान कौन नहीं है, और ईशान कौन है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल कहते हैं। और उल्का पात हुआ, हाँ। अरे उल्का किसे कहा जाता है,
सितारों को उल्का कहा जाता है। सितारे किसको कहा जाता है? वेद की भाषा में आत्मा को। जो आत्माएं ज्ञान में से चलते चलते टूट पड़ती है, अनिश्चय बुद्धि बन जाती है, वो ऊंची स्टेज से नीचे आती है या ऊंची स्टेज में उड़ती है? नीचे आ जाती है, धरणी की तरफ आकर्षित हो जाती है। धरणी कहा जाता है कन्याओं माताओं को। बाप की तरफ से बुद्धि वो घट जाता है। ज्ञान में से जो टूटता है, अनिश्चय बुद्धि बनता है, उसकी बुद्धि दुनिया की तरफ लगती है, पृथ्वी की ओर जाती है, मिट्टी की तरफ जाती है, या आकाश बाप की ओर जाती है, मिट्टी की ओर जाती है। हाँ, हाँ, जब बाबा को सपना देखता है कि बाबा का साथ पाता है, नीचे पड़ता है, बड़ा पड़ता है और कौन सा मार्ग है? जैसा संकल्प करेंगे सारा दिन वैसा ही स्वप्न आवेगा। कपड़ा बेचने वाला बाजार सुबह से लेकर के शाम तक कपड़ा फाड़ता रहता है। कभी कभी उसको अनुभव होता है रात में सोते सोते अपनी धोती फाड़ देता है। तो संकल्पों का और स्वप्न का कनेक्शन है। अभी यहाँ संगम युग है, यहाँ इसे एक जन्म की बात नहीं है। 63 जन्मों में जो भी संकल्पों का बीज बोया वो यहाँ संगम युग में शूटिंग में आता है। खराब भी होता है, अच्छा भी होता है। बाप की याद आ रही है स्वप्न में तो अच्छा भी है, दुष्ट संग होता है तो खराब भी है। रात में सोते सोते बाबा याद आ जाए या रात में स्वप्न में बाबा के साथ रहे तो सवेरे को उठ के खुशी होती है या दुख होता है? खुशी होगी। और दक्षिण भारत में चित्र हैं, उनके चित्र बनाए हुए हैं, बढ़िया बढ़िया रंगीन चित्र भी बनाए हैं, मूर्तियां भी बनाई हुई हैं, मंगवा लो। बोला मुनि में पवन को बोला। पवन माने हवा। कहते हैं कि रावण राज्य जब था तो जो 5 तत्व थे, पृथ्वी, जल, वायु, अग्निदेव, ये देवताओं के रूप में थे और ये रावण की पाटी से बंधे हुए थे। चारपाई की पाटी होती है ना, जब वो आराम करता था तो वो देवताएं उसकी पाटी से बंधे हुए रह करके रहते थे। उंगली का इशारा किया, पवन देव चल पड़ा। कमरे में सर्दी हो रही है, उंगली का इशारा किया, सारा कमरा गर्म होने लगा। ये परसानिफिकेशन दिखाया गया है शास्त्रों में। ये जड़ की बात नहीं है, वास्तव में चैतन्य आत्माएं भी रावण संप्रदाय की दास दासी बन जाती है। बाप आकर के उनको स्वतंत्र करते हैं, क्योंकि जब बाप आते हैं
तो अष्टदेव ही बाप को पहले पहचानते हैं। तन से, मन से, धन से, प्रैक्टिकल जीवन में पहले पहले बाप के बनते हैं। क्या है? है? क्या होता है? बृहस्पति बड़ा है तो बड़ा ही होगा, उसका नाम ही है बृहस्पति। इससे बड़ा कोई पति होता ही नहीं। शास्त्र में उसका क्या नाम दिया है? प्रजापति। जितनी भी बड़ी से बड़ी प्रजा है वो सबसे जास्ती प्रजा की संख्या किसकी होती है? प्रजापति की। और कोई राजा इतना बड़ा नहीं है जिसकी इतनी बड़ी तादाद में प्रजा हो। प्रजापति कहो, बृहस्पति कहो, वृक्षपति कहो, बात एक ही है। हाँ, आदि बृहस्पति से भी बड़ा ग्रह निकल पड़ा। माता जी ये कह रहे हैं, कहते हैं प्रैक्टिकल में जो साइंस दान की जो बात होती है, आज एक बात निकलती है, कल उस बात को काट देते हैं। और जैसे अभी एडवांस पार्टी में जो ग्रुप अलग हो जाते हैं और वो अलग पार्टी बना लेते हैं, उनमें से उनके जो फॉलोअर्स निकलते हैं वो किसको बड़ा मानते हैं? जो नई पार्टी का मुखिया होगा उसको बड़ा मानेंगे या प्रजापिता को मुखिया मानेंगे? नई पार्टी का जो मुखिया होगा उसकी तरफ उनकी बुद्धि खींच जाएगी। ऐसे यहाँ भी है। हाँ, जहाँ धर्म होगा वहाँ जीत होगी। है और टीवी देख देख के माथा खराब किया। अरे ज्ञान स्नान करके आओगे तभी तो कोई वरदान लागू होगा। मार डाला वो, तब मार डाला कि जब वो स्नान करके आया तो स्नान करने के बाद गांधारी ने उसके सारे शरीर पर दृष्टि डाली, लेकिन गांधारी खुद तो अंधी थी, अज्ञान की अंधी थी, अज्ञानी थी, इसलिए इतनी शक्ति नहीं आई कि उसके शरीर के जो गुप्त अंग हैं उनको देख सके। वो देवहन आ गया और वहीं पर गदा लगा भीम का और मर गया। जो पुरुषों को दुर्योधन कहा है, दुशासन कहा है कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, वो कौन से अंग की कमजोरी है जिसके आधार पर पुरुषों को दुर्योधन दुशासन बताया है? स्त्रियों के एकांत में सन्मुख आने पर वो अंग उनको धोखा दे देता है, वो कौन सा कमजोर अंग है?
काम इंद्रिय का, वहीं से दुर्योधन दुशासन मारे जाते हैं। और सन्यासियों ने कह दिया है उल्टी बात, पुरुष की कमजोरी है स्त्री, कहना चाहिए पुरुष की कमजोरी है पुरुषांग, वो नहीं कहा, क्या कहा, नारी पुरुष की कमजोरी है, उल्टी बात बोल दी, नारी नरक का द्वार है। पाँच सौ सात सौ करोड़ आबादी है, हाँ साढ़े सात सौ करोड़ भी आबादी बताइए, लेकिन पाँच सौ करोड़ बहुतायत में बताया है, माने जो पाँच सौ करोड़ हैं वो मनन चिंतन मंथन करने वाले परसेंटेज में मनुष्य हैं, मनु की औलाद हैं, और बाकी जो 250 करोड़ 200 करोड़ हैं वो मनन चिंतन मंथन करने वाले भी नहीं हैं, जैसे कीड़े मकोड़े हैं, इसलिए उनको मनुष्य की कोटि में नहीं गिना जा सकता। और मोस्टली हो सकता है, हाँ, क्योंकि जब एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई थी तो सारी दुनिया का केंद्रीय बिंदु कौन सा है, जिसके लिए बोला है दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली के मौसम का असर सारे भारत पर पड़ता है, दिल्ली है केंद्र बिंदु। राम ने रावण को मारा, तो बाहों में बाण चलाए, सर में बाण चलाए, टांगों में बाण चलाए, लेकिन रावण नहीं मरा। कब मरा? जहां 16,000 नसे नाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं, वहां एक ही बाण मारा और रावण खलास हो गया। तो ये 16,000 नसे नाड़ियां कहां इकट्ठी होंगी? सिर्फ रुद्रमाला से इकट्ठी होंगी, या रुद्रमाला और विजयमाला दोनों ही मिलेंगे तब इकट्ठी होंगी, दोनों ही मिलेंगे। और याद से ही अष्ट शक्तियाँ आती है, आठी शक्ति आती है याद से ही। जो याद की शक्ति है, योग की पावर है, वो ही अष्ट शक्तियों को आवाहन कर देती है, और भोग से अष्ट शक्तियां भाग जाती है।
सहन शक्ति खलास हो जाती पहले तो। जितना जितना भोगी होगा उतना उतना अधैर्यवान होगा। जैसे कामी के लिए बोला कामेशु क्रोधेशु, कामी के काम की आशा पूरी नहीं होती है तो क्रोध में आ जाते हैं। इतना तक क्रोध में आते हैं कि जान से भी मार देते हैं, हत्या कर देते हैं। और वसु माने धन संपत्ति, अष्ट दिग्पाल आठ दिशाओं के पालने वाले। तो जो भी ज्ञान की धन संपत्ति है वो सबसे जास्ती ग्रहण करने वाले प्रैक्टिकल जीवन में कौन है, कितने हैं? आठ हैं। जिनमें ज्ञान होगा वो याद में भी तीखा जाएगा, जो याद में तीखा जाएगा वो बाप का सहयोग भी जास्ती बनेगा, सेवा भी जास्ती करेगा, तो माला में नंबर भी आगे ले लेगा। और महाभारत में वशिष्ठ देव का जो कामधेनु था वो कामधेनु अष्टवसु का एक चोरी किया, जिन्होंने डायरेक्ट चोरी किया उन्होंने तो नरक यातना ही भोग किया। इसलिए जो विश्वामित्र अभी जो विश्व है देवव्रत जो बाद में विश्व नाम पड़ा वो तो नरक में ही रह गया, तो अष्टवसु किस हिसाब से है? अष्टवसु नहीं जाते हैं नरक में, जो आठ वसु हैं वो नरक में नहीं जाते हैं। अच्छा अच्छा, जो आठ का मुखिया है वो नरक में जाता कि नहीं? वो भी नरक का अधिपति बनता है। उसके लिए ही मुरली में बोला है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? वो नरक की दुनिया का भी अधिपति है, राक्षसों की दुनिया का भी अधिपति है। राम ही क्या बनता है? रावण बनता है। और नई दुनिया का भी अधिपति है और आठ तो उसके साथ ही है। और हम लोग जब क्लास करते हैं हाँ जी, तो टीवी से एक घंटा डिस्प्ले में एक घंटा बाबा का दृष्टि लेते हैं। कितने दृष्टि लेते हैं बाबा से? हाँ बाबा टीवी से बाबा का यात्रा डिस्प्ले हाँ सीडी में बोला सीडी हाँ सीडी में जब देखते हैं ना सीडी हाँ उसका बात बोल रहे हैं एक घंटा मुरली और आधा घंटा बात चला और दस मिनट किसकी हाँ लेना ठीक है ये बोल रहे प्रैक्टिकल में होना चाहिए। भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में जड़ की पूजा करते हैं और जड़ मूर्तियों को याद भी करते हैं, और ज्ञान मार्ग में चैतन्य को याद करते हैं। तो अगर चलचित्र में या टीवी में देख करके याद करते हैं तो सिर्फ ये भाव रहना चाहिए कि हमें ये स्वरूप याद बना रहे, और वो टीवी वीसीडी या डीवीडी इसलिए है कि जिन्होंने प्रैक्टिकल में नहीं देखा है
वो तब तक उस रूप में ध्यान लगाएं। जब प्रैक्टिकल में मिल गया तो बुद्धि प्रैक्टिकल में जानी चाहिए या जड़ में जानी चाहिए? लेकिन अपनी अपनी आत्मा की पावर अलग अलग है। कोई आत्मा की पावर इतनी होती है कि एक बार आशिक ने मासूक को दो क्षण के लिए देख लिया और जीवन भर उसे नहीं भूलता है। तो ये कौन से जन्मों का हिसाब किताब है? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। जिन आत्माओं का 63 जन्म का हिसाब किताब गहराई से रामकृष्ण की आत्माओं के साथ जुड़ा हुआ होगा, वो एक बार भी देख लेंगी तो उनको जल्दी भूलेगा ही नहीं। कोई को फिर ये होता है कि आज देखा, दो चार दिन के बाद नहीं देखा तो अवस्था नहीं की आने लगती है। प्राप्ति तो कुछ होगा है? देखेगा तो प्राप्ति तो कुछ होगा। वो तो है, प्राप्ति होगा तो। स्मृति जो है वो स्थायी बनाने के लिए साधन लिया जाता है, लेकिन साधनों के आधार पर साधना अच्छी है या निराधार साधना अच्छी है? राजा निराधार बनता है या आधीन बनता है? राजा वो ही बनेगा जो निराधार होगा। लाल लाइट होगी तो बाबा को याद करना है, नहीं तो याद नहीं आएगा। गीत संगीत बजेगा तो बाबा याद आएगा, नहीं तो याद नहीं आएगा। पंखा चलेगा तो बाबा याद आएगा, पंखा नहीं चलेगा तो बाबा याद नहीं आएगा। तो ये याद की प्रैक्टिकल स्टेज नहीं है। और सारे वर्ल्ड का कंट्रोल आ जाएगी आगे, तो क्या अष्टदेव की दृष्टि देंगे और मुरली सुनाएंगे क्या? है अष्टदेव भी पतंजलि पे बैठ के दृष्टि देंगे और मुरली सुनाएंगे क्या आगे? माने बाप मर जाएगा? अष्टदेवों की दृष्टि में बाप पहले मर जाएगा? अष्टदेवों की दृष्टि में बाप पहले सर्वव्यापी बन जाएगा? एक व्यापी नहीं रहेगा, अभी से गुलतारे बनाना शुरू कर दिए। नहीं बाबा, हाँ तो दुनिया वाले वो पावर नहीं है दृष्टि देने की। दृष्टि देने की? अरे किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? तो जब पक्का ज्ञान बैठ गया कि एक बाप की दृष्टि में ही इतनी पावर है कि कोई का संग का रंग नहीं लग सकता। अच्छा बाबा, अगर यहाँ पर बैठ कर कोई राम वाली आत्मा को याद करे तो उसको याद का पावर मिलेगा? राम वाली आत्मा को अगर पक्का पहचान लिया है तो वो भगवान की रज है, मिट्टी है या भगवान की मिट्टी नहीं है चरणों की? भक्ति मार्ग में भगवान के चरण छू करके माथे पर लगाते हैं, क्योंकि वो भी अविनाशी है या विनाशी है? है विनाशी है। उसको दुनिया में कोई मरते हुए देखेगा क्या? नहीं देखेगा। तो अविनाशी को याद करेंगे तो भी कुछ न कुछ प्राप्ति होगी जरूर, क्योंकि जिसको हमने पक्का निश्चय कर लिया कि इसमें अविनाशी बाप सदा शिव आया हुआ है, तो उस स्वरूप को अगर याद करेंगे तो सच्चा रूप याद किया या झूठा रूप याद किया? तो सच्चे को याद करेंगे तो प्राप्ति होगी, अप्राप्ति क्यों होगी?
हाँ ये जरूर बोला है मुरली में, अगर छोटा रूप याद नहीं आता है तो बड़े रूप को याद करो, अगर बिंदु याद नहीं आता है तो बिंदु का बड़ा रूप लिंग याद करो, लिंग माने साकार, तो भी कुछ न कुछ प्राप्ति ही होगी। आप प्राप्ति वालों की लिस्ट में नहीं आवेंगे। जो शिव कहा जाता है वो बिंदु है, और जो लिंग कहा जाता है वो उसका निशान है। हाँ जी, और सेवा पे जाते हैं उसी में रहती है कि बाबा सेवा कराएंगे तब वो सेवा सफल हो जाती है, लेकिन अगर जब जाते हैं सेवा करने बुद्धि में रहती है कि अरे हम अपना कोलोट बनाएंगे, हैं, बुद्धि में रहता है कि हम जा रहे हैं जहाँ भी सेवा करने वो हमारे प्रजा बनेंगे, तो क्या होता है सेवा डिस्टर्बिस हो जाती है। तो बाबा यहाँ पर तो बुद्धि की महानता हुई ना, मतलब बुद्धि में क्या रहता है आत्मा का, अगर बुद्धि में है बाप तो सब चीज उतर जाएगा, और अगर बुद्धि में रहा स्व आत्मा तो सब चीज बिगड़ जाता है। तो आत्मा रहने से भी हाँ देवान की आत्मा क्या दे, या तो देवान या आत्मा। बाबा जब सभा में जाते हैं तो ऐसे ऐसा क्या पोजीशन भी होता है जब कोई आत्मा के अनुसार बात निकलता है, ये हम अच्छे से पॉइंट अंदर में कभी भी नाचाते हुए भी निकालते हैं, कोई भी जानते हुए भी नहीं निकालता है। आत्मा का सामने इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जब बाप को सेवा करानी होती है तो खुद प्रवेश करके बोलता है, सेवा नहीं करनी होती है तो प्रवेश नहीं करता है, उल्टी पलटी बातें निकलती है। कितना भी अच्छा हम सोचे लेकिन होता ही नहीं, उसका प्रभाव पड़े तो फिर नहीं निकालता, अच्छा पॉइंट भी नहीं निकालता। हिम्मते बच्चे मददे बाप, इसका मतलब जो लेने वाला का भी कुछ होता है ना, जरूर होगा, हिसाब किताब होगा तो लेगा, हिसाब किताब उसके साथ नहीं होगा तो नहीं ले पाएगा। जाने वाले जा सकते हैं, बाद में ये न कहें कि हमको देर हो जाती है। आवाज से थोड़े निराकार रूप में स्थित हो एक आकाश में आएंगे तो आरोप को भी उस अवस्था में ला सकेंगे। आरोप एक सेकंड में आकारी। हाँ जी, माने साकार में टिकने में, साकारी स्टेज में टिकना वो तो आसान है, चाहे जब टिक जाओ, लेकिन साकारी से आकारी बनने में एक सेकंड लगे, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में चले जाना, और आकारी से निराकारी बनने में भी एक सेकंड लगे, कोई संकल्प नहीं, एक बाप दूसरा न कोई। सेवा करते करते एक घंटा का चल देगा, तीन चार घंटा हो जाता वो बहुत गलत है ना, बात करते करते बात बात ही नहीं होता, कोई हम जाते थे आठ घंटे के लिए हो जाता चार घंटे, तो ये क्या गलत बात है, मतलब पता नहीं चलता कैसे कैसे टाइम भी पास हो जाता, बिजनेस भी फाइल हो जाता। रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है, पाँच बजे तक बिजनेस बहुत हो गया मेरा। तो फिर देवान में रहकर बोले या आत्माभिमान में रह के बोले, बाद में पता चलता, कम बोलो धीरे बोलो। हाँ जी, और चलो हो गया खाली।